सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल मेहताब इलेक्ट्रिशियन वर्क। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको स्विच बोर्ड बनाएंगे और एक दो सॉकेट लगाएंगे, जिसमें एक स्विच का होगा और एक डायरेक्ट होगा, जिसे हम स्विच चेक कर सकेंगे और डायरेक्ट भी चेक करेंगे, डायरेक्ट डाल कर भी चेक करके आपको हम बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और आज हम आपको पूरे बताएंगे। हमारे पास जो है सिक्स मॉडल का मॉडलर बोर्ड प्लेट है और इसमें मारू का हम इधर आप देख सकते हैं, ये 6 एम्स का स्विच है और ये 6 एम्स का स्विच है, 2 6 एम्स का सॉकेट है हमारे पास, आप देख सकते हैं। आपको हम लाइव आपको करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको फिट करेंगे, 2 सॉकेट को 2 स्विच को, आप देखते रहिए। तो वीडियो को मैं पॉज करता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं एक सॉकेट और 2 स्विच फिट कर चुके हैं। अब सिर्फ एक और सॉकेट फिट करना है और उसके बाद कैसे कनेक्शन करेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, आप बने रहिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें हम क्या करेंगे, इसको ये एक सॉकेट जो है ये बटन से डाल के हम इसको स्विच बनाएंगे और ये हमारा जो है ये हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अब बस इसका कनेक्शन करके आपको हम बताएंगे। सो फाइनली अब इधर से हम थोड़ा अपना वायर निकाल रहे हैं, तो थोड़ा वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ अब। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें 100 वाट का बल्ब और हमें होल्डर का भी ज़रूरत पड़ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास बल्ब और होल्डर दोनों भी अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करेंगे। वीडियो को थोड़ा फास्ट करो, आप देखते रहें। अगर आपको वायरिंग कंप्लीट होने के बाद आप वीडियो को पॉज करके देख के थोड़ा देर रोक के आप सीख सकते हैं। तो वीडियो को अभी हम फास्ट कर रहे हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हमारे को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। वैसे तो बोर्ड में ही ऑप्शन होता है होल्डर का, लेकिन हमारे पास ये 6 मॉडलर के बोर्ड में होल्डर बल्ब होल्डर लगाने का ऑप्शन नहीं है। तो एक काम करेंगे, हम अलग से एक होल्डर ले लेंगे बल्ब होल्डर और इसका कनेक्शन, यही सबसे मेन रहता है जो आपको सीरीज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो हम एक ये जो वायर है ब्लू कलर का, इसको फेस लिए, ये हमारा न्यूट्रल वायर है। ये न्यूट्रल में हम क्या करेंगे, हम अपने बल्ब होल्डर का एक वायर को डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे। आप देख सकते हैं इसको डायरेक्ट ज्वाइन करके, और जो हमारा डायरेक्ट जो सॉकेट रहेगा उससे लाइव सॉकेट से दे देंगे, जो सीरीज से कांटेक्ट नहीं रहेगा उससे देंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक हमारा जो डायरेक्ट सॉकेट था उससे हम कनेक्शन दे चुके हैं और एक हमारा अभी जो सीरीज हम जिसको बोल रहे हैं वो हमारा सीरीज का कनेक्शन है और ये हमारा सीरीज का है सॉकेट, उससे हम दे रहे हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, आप अच्छे से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको सीरीज बोर्ड बनाना बोले तो ये हमारा सीरीज बोर्ड फाइनली कंप्लीट हो चुका है। ये बोले तो अगर आप कुछ भी रिपेयर कर रहे हैं तो आपको उसका बॉडी अर्थ ये सब चेक करने में आपको काफ़ी अच्छा इसे आप काफ़ी अच्छा से यूज कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं ये हमारा जो है ये सीरीज का कनेक्शन है, ये वाला है जो हमारा डायरेक्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब हम इसको आपको चेक करके बताएंगे। ये हमारा पुराना 6 मॉडलर का बॉक्स है, इसके ऊपर अभी मैं डायरेक्ट रख रहे इसको कनेक्शन नहीं कर रहे, आप देख सकते हैं। का जरूरत पड़ेगा हमारे पास तो प्लग नहीं है, तो एक काम करेंगे हम इसको डायरेक्ट लगा देंगे अपने इसमें सॉकेट में। आप देख सकते हैं मैं इसको डायरेक्ट कर दिया, तो उसके बाद मैं इसमें मेन डाल के आपको चेक करके बताऊंगा। देख सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके मैं इसमें मेन डाल दूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं इसमें मेन डाल चुके हैं और आपको सीरीज कनेक्शन चेक करके बताएंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों वायर को टच करेंगे तो आप देख सकते हैं लाइट हमारा ग्लो हो रहा है ऐसा, आप देख सकते हैं।
तो आपको वीडियो पूरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो में कमेंट करें अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आपको कुछ भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप अगर वायरिंग में थोड़ा भी प्रॉब्लम आ रहा हो। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी और वीडियो आएगी जो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड होगी।